नमस्कार दोस्तों, एक और अच्छी वैकेंसी की सूचना मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि केंद्रीय विद्यालय बिहटा पटना की ओर से जारी की गई है। तो कौन से पद पे ये वैकेंसी है, आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, सॉरी टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी संस्कृत और टीजीटी एसएसटी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो शिक्षक बनने का अगर आपका भी सपना है तो आपके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे संविदा के आधार पे भर्ती शुरू हो चुकी है और इसमें कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह नहीं आयोजित की जा रही है। डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो कैसे करना है आवेदन, बाकी डिटेल क्या क्या है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने केंद्रीय विद्यालय बिहटा पटना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है। यहीं से नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। व्यू ऑल पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संविदा शिक्षक शिक्षिका हेतु विज्ञापन को यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसी नोटिफिकेशन में दी गई है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये नोटिफिकेशन 25/8/2023 को ही जारी की गई थी, तो यानी कि डेट जो है बहुत कम बच रहा है। तो 31/8 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, 31 अगस्त 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ में बीएड की डिग्री मांगी गई है इस। और वहीं हिस्ट्री में भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। तो इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और साथ में बीएड की डिग्री मांगी गई है। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री। और यहाँ पे इंग्लिश में भी वही बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें भी मांगा गया है बैचलर डिग्री, सॉरी यहाँ पे मास्टर डिग्री। टीजीटी में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% अंकों के साथ, यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है तीनों ईयर में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में तीनों ईयर में आप पढ़े होंगे, और साथ में बीएड की डिग्री मांगा गया है। टीजीटी संस्कृत में भी वही मांगा गया है, आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% अंकों के साथ, और साथ में वही संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए तीनों ईयर में, और बीएड की डिग्री साथ में मांगी गई है। वहीं सोशल साइंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा गया है 50% अंकों के साथ, और इसमें मांगा गया है देखिए दो सब्जेक्ट, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इस इनमें से कोई दो सब्जेक्ट जो जैसा कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इन तीनों चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने अगर किया है ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ में आप यहाँ पे बीएड की डिग्री भी मांगी गई है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक तो अगर आपने कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं सोशल साइंस के लिए। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वहीं वेरिफिकेशन डेट वगैरह भी दे दी गई है कि देखिए जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद जो है 2/9/2023 को इंटरव्यू आयोजित की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन आयोजित की जाएगी। तो दोनों का डेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और टाइम थोड़ा सा अलग है। वेरिफिकेशन जो है आपका 8 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा और 10 बजे से जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। एड्रेस दिया गया है केंद्रीय विद्यालय AFS बिहटा, ठीक है। AFS यानी कि एयरफोर्स स्टेशन जो आपका बिहटा में है, एयरफोर्स का कैंपस, वहाँ पे ही आपका यहाँ पे ये आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको TA DA वगैरह नहीं मिलेगी, और सभी कैंडिडेट को बताया गया है कि सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको वहाँ पे जाना है और साथ में फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लिया जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट में आपका 65 साल दिया गया है, तो 65 साल से नीचे वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।
बाकी डिटेल देखिए, आप अगर देखना चाहते हैं तो रोजगारबिहार.com पे भी सब कुछ उपलब्ध है, जैसे कि फॉर्म वगैरह कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो रोजगारबिहार.com से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिंक वगैरह, आपको न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगा, बिहार जॉब में देखने को मिल जाएगा, KVS बिहटा पटना TGT PGT रिक्वायरमेंट पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगी पूरी डिटेल, और यहाँ से आप सब कुछ देख भी पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो देखिए 25/8 से शुरू हो चुका है आवेदन, लास्ट डेट 31/8/2023 है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, 18 से 65 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बिल्कुल वही बताया गया है। आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए देखिए बताया गया है कि नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र अर्थात बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट करके अच्छे से भरना है, नाम पता जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब कुछ भरकर इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना आवेदन पत्र भेज देना है। जो फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया, इस फॉर्म को अच्छे से भर कर, जैसे कि देखिए कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट आप अपना देख लीजिएगा, जैसे कि PGT इंग्लिश, TGT है और PGT है, तो जो भी आपका है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे और वही आपका पोस्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, TGT या PGT और सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर या हस्बैंड का नाम होगा, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आपको अच्छे से भर देना है, अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरी तरह से भरना है, और एक्सपीरियंस वगैरह अगर कुछ है तो वो भी भर देना है, नहीं है तो खाली रहने देंगे, ठीक है। डेट यहाँ पे डाल देंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डाल देंगे, फोटो चिपका देंगे यहाँ पे, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, और जो मैंने अभी आपको ईमेल आईडी दिखाया, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना आवेदन पत्र भेज देना है। 31/8/2023 तक आप आवेदन भेज सकते हैं, कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, आप अपने मोबाइल से भी ईमेल कर सकते हैं, डाउनलोड यहां से इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहां पे भी है तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो सब कुछ आकर आप रोजगारबिहार.com से भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप रोजगारबिहार.com को विजिट करते रहें, और अच्छी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे डाली जाती है तो आकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का भी आया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका देख सकते हैं टोला सेवक की वैकेंसी आई हुई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। झारखंड का जो प्राइमरी टीचर भर्ती हो रही है उसका भी आप यहाँ पे सारा डिटेल देख सकते हैं, तो बहुत सारे वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।